सप्तश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर राज्य में दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना को राणा दंपति को राष्ट्रीय नेता बनाना है और इसीलिए वो इतनी सारी चीजें कर रही है। आगे बात करते हुए वे बोले कि अपनी नाकामी दिखाने के लिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बेहद ही पचकानी हरकत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इनसे कोई चीज संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीज़ों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता, वो राणा पति और पत्नी दो लोग, क्या कहा उन्होंने, हम जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अगर जाने देते, किसी कोने में जाके हनुमान चालीसा बोलते, घर जाते, न कोई न्यूज़ बनती, न कोई उसका कोई इम्पैक्ट होता। किंतु मुझे समझ में नहीं आता है, इतने लोग जमा करना, मानो वो कोई हल्ला करने के लिए आ रहे, हमला करने के लिए आ रहे, इस प्रकार से इतने लोग जमा करना, इधर जमा करना, उधर जमा करना, इतना ही नहीं, रास्ते पर जाने वाले सभी लोगों के ऊपर हमले करना, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवसेना को अब राणा पति पत्नी को शायद राष्ट्रीय नेता बनाना है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से यहाँ पर चल रही है। बहुत बचकाने तरीके से इसको जो हैंडल किया जा रहा है ना, इसको बचकाने से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफ़र स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में वापस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज़ कानून व्यवस्था लचर हो रही है, और ऐसे समय उसकी ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ने करना बारंबार। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।